चीनी से बचने के लिए आप ब्राउन शुगर, हनी, जैगरी, खांड, स्टिविया इन सब चीजों का सहारा लेते होगे। पर इन्हें कैसे यूज करना है, कितना करना है, इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, इनमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, चलिए ये सब समझने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी भी आप उस स्टेज पर हैं जहां पर चीनी को छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच और आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी की फाउंडर हूँ। आई एम वाओ में हम कस्टमाइज्ड मील प्लान्स और ऑनलाइन वर्कआउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं। दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से हजारों लोग इस प्रोग्राम का फायदा ले रहे हैं। अगर आप भी अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम को दूर करना चाहें तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके आप इस प्रोग्राम की सभी डिटेल्स जान सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि रिफाइंड व्हाइट शुगर यानी कि चीनी में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, मतलब ओनली कैलोरीज, नो न्यूट्रिएंट्स। इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, इसी वजह से शुगर वेट गेन, ओबेसिटी और डायबिटीज का कारण बनती है। ज्यादा चीनी खाने से स्किन का कोलाजन खत्म होता है और स्किन जल्दी एज होती है। चीनी से प्लाग का रिस्क भी बढ़ता है, इसलिए दांतों के लिए भी हार्मफुल होती है। ज्यादा शुगर से हार्ट से जुड़ी बीमारियां, फैटी लिवर, अल्जाइमर का रिस्क भी बढ़ता है। और इन्हीं कारणों से हम चीनी से बचने की कोशिश करते हैं और फिर हेल्दी रिप्लेसमेंट्स ढूंढते हैं। तो चलिए आज एक एक करके शुगर के इन सभी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की बात करें। सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाला ऑप्शन होता है देसी खांड और जैगरी पाउडर। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। चीनी को कहते हैं रिफाइंड शुगर और देसी खांड होती है अनरिफाइंड शुगर। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। शुगर केन यानी कि गन्ने के जूस को बॉयल किया जाता है, फिर उसे सॉलिडिफाई करते हैं और रेडी हो जाती है देसी खांड। कोई प्रोसेसिंग या फिर रिफाइनिंग नहीं होती, इसलिए टेस्ट एकदम नेचुरल और अर्दी होता है। इसके अंदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम भी इंटैक्ट रहते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं और डाइजेशन को बढ़ाते हैं। अब अगर बात करें कैलोरीज की, तो 1 ग्राम चीनी में होती हैं 16 कैलोरीज और 1 ग्राम खांड में, गेस कीजिए, उसमें भी होती हैं 16 कैलोरीज। तो देसी खांड किसे लेनी चाहिए? वो लोग जिन्हें शुगर क्विट करना बहुत मुश्किल लगता है, देसी खांड पे स्विच करना उनके लिए पहला स्टेप हो सकता है। कैलोरीज उतनी रहेंगी मगर 2-4 बेनिफिट्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपके घर अभी भी चीनी आती है तो उसे बिल्कुल बंद करके उसकी जगह पे एटलीस्ट खांड या फिर जैगरी पाउडर लाना स्टार्ट कर दो। खांड के होते हुए चीनी की घर से पूरी तरह नो एंट्री हो जानी चाहिए। अपनी चाय कॉफी में या फिर घर में कुछ भी मीठा बने तो उसमें चीनी की जगह पे खांड यूज करो। अब बात करते हैं कि खांड किन लोगों के लिए ठीक नहीं है। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए खांड उतनी ही हार्मफुल है जितनी की शुगर, क्योंकि उसमें सेम कैलोरीज हैं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी लगभग सेम ही है। इसलिए चीनी की जगह खांड यूज़ करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले ऑल्टरनेटिव की, विच इज़ धागे वाली मिश्री। क्या होती है ये धागे वाली मिश्री और ये चीनी या खांड से कैसे अलग है? चीनी बनाने के प्रोसेस में चीनी का जो सॉल्यूशन होता है, उसे रिफाइनिंग प्रोसेसिंग की जगह, उसके अंदर केमिकल्स डालने की जगह, अगर पहले ही उस लिक्विड को क्रिस्टलाइज कर दिया जाए तो वो मिश्री बन जाती है। कई बार इस सॉल्यूशन को थ्रेड्स यानी कि धागों के अराउंड क्रिस्टलाइज करते हैं, जिसे ये धागे वाली मिश्री बनती है। तो अल्टीमेटली धागे वाली मिश्री के अंदर भी सेम कैलोरीज हैं, पर क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए, चीनी से ज़्यादा प्योर होती है, क्लियर होती है, इसीलिए धागे वाली मिश्री को हम हवन और पूजा में यूज़ करते हैं। ये चीनी से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, इसलिए इसकी मिठास यानी कि स्वीटनेस चीनी से भी कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिन्हें इंस्टेंट एनर्जी की नीड होती है, इस मिश्री को खाकर उन्हें इंस्टेंट ग्लूकोज यानी कि एनर्जी मिलती है। मिश्री को यूजुअली सोर थ्रोट में भी लिया जाता है, ये थ्रोट की ड्राइनेस को कम करके पेन में आराम देती है। पर जैसा मैंने बताया कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए इन सभी कंडीशंस में मिश्री लेना रिकमेंडेड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉमन ऑल्टरनेटिव, हनी यानी कि शहद की।
नो डाउट हनी चीनी से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसके अंदर राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक जैसे बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। चीनी के कंपैरिजन में हनी कम प्रोसेस्ड होती है और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी चीनी से स्लाइटली कम होता है। सो चीनी को ऑब्वियसली हनी से रिप्लेस करना एक बेटर ऑप्शन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हनी एक लो कैलोरी या लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड है। हनी इज़ मोस्टली फ्रक्टोस एंड ग्लूकोस, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में लेने से वेट गेन और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। अब शायद आपने सुना होगा कि सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू के साथ हनी डालकर लेने से फैट कट होता है। चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग सुबह उठकर इस ड्रिंक को लेते हैं वो ज़्यादा हाइड्रेटेड फील करते हैं और उनकी एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है, मतलब वो ओवर ईट नहीं करते। कुछ एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है जिससे फैट बर्निंग में हेल्प मिलती है। ये डाइजेशन को भी सपोर्ट करती है और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाती है। तो सुबह उठकर खाली पेट चाय या कॉफ़ी की जगह आप लेमन हनी वाटर ले सकते हैं, वो एक मच बेटर ऑप्शन है। और इसके अलावा ओटमील, स्मूदीज जैसी चीज़ों में भी स्वीटनेस के लिए हनी ऐड करना एक अच्छी ऑप्शन है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हनी के बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, कफ कोल्ड से बचने के लिए या फिर वेट मैनेज करने के लिए हनी को कैसे यूज़ करना है ये सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हनी लेने से पहले इन तीन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, हनी को कभी भी बॉइलिंग वाटर में ऐड ना करें, इसे हमेशा ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ लें। सेकेंड, हनी खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को अच्छे से पढ़ें क्योंकि कई बार हनी के अंदर चीनी भी मिक्स की गई होती है। बेटर तो ये होगा कि आप रॉ और नेचुरल हनी ही यूज़ करें। रॉ हनी के कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने लिए वो भी ले सकते हैं। और थर्ड, हनी को हमेशा मॉडरेशन में यूज़ करें, ओवर कंजम्पशन अवॉइड करें। चलिए अब बात करते हैं शुगर के एक और बहुत ही कमाल के अल्टरनेटिव की, मीठे ड्राइड फ्रूट्स जैसे कि डेट्स, अंजीर, किशमिश। कई समझदार लोग रिफाइंड शुगर की जगह इन सभी ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ड्राइड फ्रूट्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स शुगर के कंपैरेटिवली स्लाइटली लो होता है, पर उसके अलावा इन ड्राइड फ्रूट्स की एक और बहुत ही खास बात है कि ये फाइबर में रिच होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर प्रेजेंट नेचुरल शुगर ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देती। फाइबर फुलनेस की फीलिंग भी देता है तो ओवर ईटिंग प्रिवेंट होती है, जहां दूसरी तरफ प्रोसेस्ड शुगर खाने के बाद तो और भी ज़्यादा भूख लगती है। ड्राइड फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। इनके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे बहुत से विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए शुगर की जगह ड्राइड फ्रूट्स को यूज़ करना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें यूज़ करना कैसे है, तो चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ भी बता देती हूँ जिनमें चीनी की जगह हम डेट्स या फिर अंजीर को यूज़ कर सकते हैं। तो खीर और फिरनी जैसी इंडियन स्वीट डिशेस बनाते वक्त आप उसके अंदर चीनी डालने की जगह अंजीर के छोटे 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 पीसेस करके ऐड कर सकते हैं और खीर के साथ ही उसे पकने दीजिए। आपकी खीर में बहुत ही प्यारा फ्लेवर, नेचुरल मिठास और अंजीर के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और इस खीर को जो भी खाएगा वो विश्वास नहीं करेगा कि आपने बिना चीनी के ये खीर बनाई है। इसी तरह स्मूदीज, मिल्क शेक्स या फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाते वक्त आप चीनी की जगह खजूर यानी कि डेट्स यूज़ कर सकते हैं। ओटमील में आप ड्राइड बेरीज जैसे कि क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और ये सब करने से आपकी डिशेस में एक सटल मिठास आएगी, अमेजिंग फ्लेवर आएगा और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और शुगर अल्टरनेटिव की, जो कि है कोकोनट शुगर एंड पाम शुगर, जो कोकोनट या पाम ट्री से मिलती है। दोनों बहुत ही सिमिलर होती हैं और इन्हें बनाने के लिए फार्मर पहले ट्री पर चढ़ के उसके फ्लावर से एक लिक्विड इकट्ठा करते हैं, फिर इस लिक्विड को हीट करके एक थिक लिक्विड बनाते हैं जिसे ठंडा करने के बाद उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और फाइनली उन क्रिस्टल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके कोकोनट शुगर या फिर पाम शुगर तैयार हो जाती है। ये अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या कोकोनट और पाम शुगर चीनी से बेटर हैं? अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो इस तरह के शुगर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिफाइंड शुगर में ऑब्वियसली नहीं होते। इनका बटरस्कॉच जैसा कैरेमलाइज्ड टेस्ट होता है। पर अब अगर हम बात करें कैलोरीज की,
तो इनमें भी रिफाइंड शुगर के जैसे बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ज़्यादा कंज्यूम करने से डायबिटीज़ और वेट गेन का रिस्क उतना ही है जितना कि चीनी से है, इसलिए मॉडरेशन में लेना ही सजेस्टेड है। अब नेक्स्ट दो शुगर अल्टरनेटिव्स जिनकी मैं बात करने वाली हूँ, ये दोनों बहुत ही खास हैं पर अंडररेटेड हैं। पहले बात करेंगे फ्रूट्स की। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश सीजनल होल फ्रूट्स। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बचपन से मीठा खाना पसंद होता है, वी से दैट दे हैव अ स्वीट टूथ। यू नो, जब हमें कुछ मीठा खाने का मन करे तो ऐसे में चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स, जंक से पहले एक फ्रूट ले लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मॉर्निंग में एक बोल फ्रेश फ्रूट खा लेते हो तो दिन भर आपके मीठा खाने की क्रेविंग कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स, फाइबर में रिच फ्रूट्स फुलनेस की फीलिंग भी देते हैं और इनके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे आर गुड फॉर हार्ट, दे आर गुड फॉर स्किन, दे इम्प्रूव योर इम्यूनिटी एंड सो मच मोर। नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एक ऐसा शुगर ऑल्टरनेटिव जो नेचुरल भी है और ऑलमोस्ट जीरो कैलोरीज है। मैं बात कर रही हूँ स्टेविया की। स्टेविया एक नेचुरल इंडियन हर्ब है जिसका पूरा नाम है स्टेविया रेबाउडियाना, जो चीनी से 20-30 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। पर इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स गेस कर सकते हैं कितना है? जीरो। सो रिसेंटली एक स्टडी की गई जिसमें 18-40 की एज के नॉर्मल BMI वाले कुछ लोगों को रेगुलरली स्टेविया दिया गया। एंड में रिसर्चर्स ने पाया कि रेगुलरली स्टेविया लेने का इन लोगों के गट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि स्टेविया के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने के लिए अभी और स्टडीज करने की ज़रूरत है, और WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो अगर वेट कंट्रोल करना हो तो नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि स्टेविया को भी अवॉइड ही करना चाहिए। मार्केट में स्टेविया अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है, कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में, और स्टेविया की लीव्स भी मिलती हैं। इसे हम अपनी चाय, कॉफ़ी या फिर नींबू पानी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए स्टेविया के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वेल रिसर्च्ड वीडियो भी बना सकती हूँ, और अगर इस तरह की वीडियो में आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू वॉच द फुल वीडियो ऑन स्टेविया। तो ये थे 7 हेल्दी और अल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर। अगर शुगर को छोड़ना चाहें तो उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ये जानने से पहले मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गाइस देखिए, मीठा पसंद होना एक अलग बात है, पर अगर किसी को बार बार मीठा खाने की क्रेविंग्स होती हों या फिर मीठा खाए बिना उनकी बॉडी ठीक फील ही ना करती हो तो उसके और भी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है उन्हें मीठे की एडिक्शन हो। यू नो, जिस तरह अल्कोहल और टबैको की एडिक्शन होती है, उसी तरह बॉडी को मीठे की भी एडिक्शन हो सकती है। बहुत लोग मीठे का सहारा लेते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। जिनके घर में रिलेशंस अच्छे नहीं होते या फिर काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वो बेटर फील करने के लिए मीठा खा लेते हैं, क्योंकि मीठा खाते ही डोपामिन रिलीज़ होता है और हमें प्लेजर की फीलिंग आने लगती है। कुछ लोगों को मेडिकल रीजंस जैसे कि ब्लड शुगर का ड्रॉप होना, इस वजह से भी मीठा खाने की इच्छा होती है। कई बार स्वीट क्रेविंग्स बॉडी में मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम, क्रोमियम की डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती है। और जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते या फिर स्लीप टाइमिंग्स ठीक नहीं होते, उन्हें भी बाकी लोगों के कंपैरेटिवली शुगर क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं। तो अब रीज़न भले ही कुछ भी हो, अल्टीमेटली शुगर हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुँचाती है। शुगर की आदत को छोड़ने का बेस्ट तरीका है कि इसे एकदम से कट करने की जगह धीरे 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 अपनी लाइफ से बाहर किया जाए। अगर आप बिना चीनी की चाय नहीं पी सकते तो एटलीस्ट उसे कम कर दीजिए, और फिर शुगर की जगह आज हमने ये जितने भी शुगर के अल्टरनेटिव्स डिस्कस किए हैं इन्हें यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और अल्टीमेटली अपनी लाइफ से प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल बनी हुई चीज़ों को पूरी तरह हटा के जितना हो सके नेचुरल फूड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके काम आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।